आज मैं आपको एक नई रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ और वो है मैक्रोनी की। सब लोग अपनी अपनी तरह से बनाते हैं लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। इतना डिफरेंट नहीं है, बस आसान सा है। उसके लिए हमें चाहिए पहले ये बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर और ये चिकन है। चिकन के साथ लहसुन डाला है क्योंकि मैंने फ्राई करना है तो वरना स्मेल आएगी। तो ये इसके साथ चिकन है और साथ में थोड़ा सा ऑयल है और लहसुन है। और अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये थोड़ा सा दड़ा मिर्च। मुझे सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, और बाकी मसाले मुझे इतने को पसंद नहीं और घर वाले भी नहीं खाते तो इसलिए ये भी डाल दो ज़्यादा से। और ये है चाट मसाला। चाट मसाला अपनी मर्ज़ी से डालो, ज़्यादा डालो, थोड़ा डालो, मुझे नहीं पता। अब ये जो सब्ज़ियाँ काटी थी ये सब्ज़ियाँ डाल दो अंदर। और ये ओहो नीचे गिर गई कुछ, मैंने थोड़ा कम ही ऑयल डाला था और मेरा ऑयल खुश्क हो गया। मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल लूँगी। अब इसको इतनी देर पकाना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ज़्यादा चेंज नहीं करना क्योंकि वरना उसका बहुत ही अजीब सा कलर हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता। और ये एक दो टीस्पून डाल देना है आपने विनीगर, थोड़ा सा वैसे भी डाल दो। और ये है चिली सॉस। चिली सॉस पागलों की तरह नहीं डालनी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं लेकिन मैं नहीं ज़्यादा डालती। और अब ये सोया सॉस, सोया सॉस थोड़ी ज़्यादा डाल लेना, अच्छी लगती है। अब इन सबको मिला के मिक्स कर लें, ठीक है, थोड़ी देर मिक्स करें और उसके बाद मैक्रोनी डालें और फिर खा लें। उप्स, मैं तो केचप का बताना भूल गई, केचप भी डालनी है थोड़ी सी। केचप डाल के फिर मिक्स करना है। और ये है मैक्रोनी, ठीक है। मैक्रोनी को पता है 7 से 8-10 मिनट रखते हैं, ठीक है। और अगर ये साथ जुड़ जाए ना, इसको पहले अच्छे ठंडे पानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। और अगर साथ जुड़ने वाली हो ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो फिर ये साथ भी नहीं जुड़ेगी। ये देखें ये इसकी शक्ल, और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैंने कम बताई हैं तो अगर आपने डाली तो आप डाल लेना, लेकिन बहुत मज़े के बने हैं ये।